फिल्मों के 10 यादगार संवाद। बॉलीवुड में कई फिल्मों के डायलॉग्स बहुत मशहूर हुए हैं। हिंदी फिल्मों के सदाबहार संवाद आज हम आपके लिए लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। भारतीय सिनेमा ने हमें कई यादगार फिल्में व गाने दिए हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे शानदार व सदाबहार संवाद भी दिए हैं जिनका जिक्र जब कभी हो जाता है। इनमें से कई डायलॉग्स तो हमारी रोजमर्रा के जीवन का भी हिस्सा बन गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही कुछ दिल को छू लेने वाले हिंदी संवाद। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं अपने पहले संवाद से। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। 1965 में आई फिल्म वक्त का ये डायलॉग अभिनेता राजकुमार ने अपने विशेष अंदाज व दमदार आवाज में बोला था। ये संवाद आज भी दर्शकों के बीच जीवंत बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे संवाद की ओर। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ये संवाद महानायक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच फिल्म दीवार का है। ये डायलॉग इस बेहतरीन फिल्म का मुख्य आकर्षण साबित हुआ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले संवाद पर। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सन 1978 में आई फिल्म विश्वनाथ का ये संवाद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का ट्रेडमार्क डायलॉग बन गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले संवाद की ओर। पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें पोछ डालो। ये डायलॉग फिल्म अमर प्रेम का है, जो फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना द्वारा अपने अनोखे अंदाज में कहा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संवाद की ओर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह फिल्म का ये संवाद अमिताभ बच्चन की जादुई आवाज में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये डायलॉग शाहरुख खान द्वारा बोला गया था, जो नौजवानों के दिलों पर आज भी राज करता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग सनी देओल की दमदार व भारी भरकम आवाज में काफी सराहा गया था। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वैसे तो फिल्म शोले का हर किरदार व संवाद काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन असरानी द्वारा चुलबुले अंदाज में बोला गया ये डायलॉग दर्शकों के दिलों पर अपनी अलग व खास छाप छोड़ गया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान की आवाज में फिल्म वांटेड का ये डायलॉग बहुत ही पसंद किया गया है और इस शानदार फिल्म की सफलता का एक अहम हिस्सा भी बना। दोस्तों सभी डायलॉग्स का अपना एक अलग अंदाज होता है, पर मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।